हाँ बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं लास्ट वीडियोस में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा टॉपिक कंटिन्यू रह गया था, खत्म नहीं हुआ था। तीन हेडिंग पढ़ा दी थी मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज चौथी और लास्ट हेडिंग है इसकी, ऑस्मोसिस, उससे और कवर कर देते हैं। फिर एक हेडिंग रह जाएगी अब नॉर्मल मोलर मास, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में। तो ऑस्मोसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑस्मोसिस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होता है? वो कोई भी प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। कहाँ से फ्लो करेंगे? रीजन, ऐसा कोई रीजन जहाँ पे उनकी लोअर कंसेंट्रेशन है, और किसमें फ्लो करेंगे? ऐसे किसी रीजन में जहाँ पे उनकी हायर कंसेंट्रेशन है। किसके थ्रू फ्लो करते हैं, किसके थ्रू मूव करेंगे? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। समझाने के लिए ये देखिए, ये डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लोअर कंसेंट्रेशन यहाँ पे, हायर कंसेंट्रेशन यहाँ पे। तो लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या करते हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इनिशियली, ठीक। उसके बाद में हमने बताया है कि अगर आपको ये क्या करना है, अगर आपको ये प्रोसेस स्टॉप कराना है, ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझ गए होंगे सब, क्या हो रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है फ्रॉम दिस रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? हायर कंसेंट्रेशन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। अब अगर आपको इसको स्टॉप कराना है, ऑस्मोसिस को रोकना है, कि भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बहुत आगे सॉल्यूशन में, रोकना चाह रहे हैं उसको, तो किस तरीके से रोक सकते हैं? ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। हमें क्या करना होगा? कुछ एक एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन के साइड पे लगाना होगा। हम उतना प्रेशर लगाएंगे जिससे क्या हो जाए, हम प्रेशर पहले धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे बढ़ाते चलेंगे, और उस प्रेशर पे आके रुक जाएंगे जिस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ फ्लो करके आना बंद कर दें। ऐसा कोई भी प्रेशर जिसपे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हो रहा था वो रुक जाएगा, उस प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। डिनोट किससे करते हैं हम लोग? उसे पाई से डिनोट करते हैं। वो यहाँ पे लिखा भी है, द प्रोसेस दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर आएगा यहाँ, वो प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को जस्ट स्टॉप कर देता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब नो लॉन्गर विल फ्लो इनटू द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, डिनोट पाई से करेंगे। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? कंसेंट्रेशन के। सॉल्यूशन की जो भी कंसेंट्रेशन होती है, जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितनी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम होगी उतना कम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने पे ही क्या हो जाएगा? ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा। और ये कब होता है? ये एक कांस्टेंट या एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे होता है। तो रिलेशन ये देखी गई थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है भाई, वो कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पे आर। फेमिलियर होंगे आप लोग इस कॉन्स्टेंट आर से, क्या है ये? 11th क्लास में पढ़ा था। आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट है, वही जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। सी क्या है यहाँ पे? सी कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन जो नहीं समझता हो वो मोलैरिटी समझ ले, अगर किसी को कंसेंट्रेशन नहीं समझना आती है। वैसे 11th क्लास में ये भी बताया गया था कि जहाँ कहीं भी कंसेंट्रेशन होता है उसका मतलब भी मोलैरिटी होती है। अब कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एन अपॉन वी। वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया सी की जगह, एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या पुट करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको निकालने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी? आपको एम निकालने के लिए देता है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, इसे नोट कर लीजिए। अब ये ऑस्मोसिस में ही आगे बढ़ रहे हैं, ये फोर्थ हेडिंग में ही है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये चीज़ भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी थोड़ी बहुत। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कोई भी दो सॉल्यूशन, दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है किसी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, तो उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन जैसे भी मैंने बीकर बना के सेपरेट कर रखे थे, उनको अगर आप सेपरेट कर देते हो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की तरफ क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो कोई पूछे अगर कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस देखने के लिए मिलेगा, तो आप आंसर दोगे नहीं देखने के लिए मिलेगा, नो।
हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो कोई भी सॉल्यूशन जिनमें अगर सेल को हम प्लेस कर दें तो वो क्या कर देंगी, सेल जो जो भी सेल है किसी भी आप ऑर्गेनिज्म में से सेल निकाल के अगर आप सॉल्यूशन में रखते हो तो वो अपने वाटर को लूज कर देगी और क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसे किसी भी सॉल्यूशन को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बोलूंगा जिसमें सेल डालने पे, सेल डाली मैंने तो उसने अपने सेल ने क्या कर दिया, अपना वाटर लूज कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ऐसा कौन से सॉल्यूशन में होता है, ऐसा नमकीन पानी में होता है, ऐसा सेलाइन वाटर में होता है, ऐसा उस सॉल्यूशन में होता है जिसमें वाटर सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.9% से ज़्यादा होती है। 0.9% क्या है, मास बाय वॉल्यूम, 0.9% मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, पीछे पढ़ाया था मैंने जब सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा था। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 0.9% मास बाय वॉल्यूम जो होगा सोडियम क्लोराइड का, अगर उससे ज़्यादा होगा नमक तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हाइपरटॉनिक बन जाएगा। अगर उससे कम होगा तो क्या बन जाएगा, हाइपोटॉनिक बन जाएगा, और उतना ही होगा 0.9 तो क्या बन जाएगा, वो आइसोटॉनिक बन जाएगा। तो सॉल्ट कंसेंट्रेशन के हिसाब से 0.9% वैल्यू याद रखनी है आपको, 0.9 ये रहा मान लो, तो इससे ऊपर आइसोटॉनिक, इस पे आइसोटॉनिक, इससे ऊपर हाइपरटॉनिक और इससे नीचे हाइपोटॉनिक। हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए हाइपर का, वो सॉल्यूशन जिनमें अगर मैं सेल को प्लेस करता हूँ तो सेल क्या कर लेंगी, वाटर को इनवाइव कर लेंगी, वाटर को अंदर गेन कर लेंगी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, स्वेल अप हो जाएंगी एज अ रिजल्ट। ऐसे किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल वही हो गया, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% सोडियम क्लोराइड मास बाय वॉल्यूम, 0.9% से कम हुआ यानी पानी खारा नहीं है, नमकीन नहीं है, तो वो पानी या वो सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। याद करने का तरीका याद इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ये लिखा ना हाइपो, इसे हिप्पो से रिलेट कर सकते हो, हिप्पो बहुत मोटा होता है, तो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में सेल को जैसे ही आप रखोगे तो स्वेल अप हो जाएगी और क्या हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, हाइपो को याद कर लो, हाइपर इसका उल्टा हो जाएगा, और आइसो तो सबको याद रहेगा ही कि इक्वल कंसंट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं अभी, ऑस्मोसिस का ही कंटिन्यूशन चल रहा है, अब खत्म हो जाएगा ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस की शॉर्ट फॉर्म होती है आरओ, जो सबके घर में इनके घर में लगा होगा उन्हें पता होगा आरओ बोलते हैं, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि आरओ किस तरीके से काम करता है, कैसे चलता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड। अभी ऑस्मोसिस में मैंने पीछे बताया था कि हो क्या रहा था, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे थे कहाँ, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में, और ये कहाँ से फ्लो कर रहे थे, ये एक सेमी परमेबल रीजन था, वहां से फ्लो कर रहे थे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे सॉल्यूशन मॉलिक्यूल में थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो रहा था ऑस्मोसिस में। हमने ऑस्मोसिस स्टॉप करा था, कैसे करा था ऑस्मोसिस स्टॉप, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था, प्रेशर था पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया था जिससे क्या हुआ था, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे आना रुक गए थे। अब यहाँ पे जैसे जिस प्रेशर पे आके आना रुक गए थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट कर दिया था पाई से। अब इस प्रेशर पे हम ना रुके और हाई प्रेशर लगाते चले जाए तो अब क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आना रुके थे, अब उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर जाने लगेंगे, दूसरी तरफ जाने लगेंगे। तो यानी कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में चलने लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में आर बोलते हैं। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नाउ विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू द अदर साइड। अब होगा क्या, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन में से दूसरी साइड यानी कि सॉल्वेंट की साइड मूव करने लगेंगे। कैसे यूज होता है ये प्रिंसिपल आरओ में देखिए, सेलाइन वाटर है यानी कि ऐसा वाटर जिसमें नमक है या इम्प्योरिटीज वगैरह मिक्स है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये कौन सी साइड है, ये है सॉल्यूशन वाली साइड, ठीक है, और ये दूसरा टैंक है जिसमें हम लोग फ्रेश वाटर इकट्ठा करेंगे, और ये कौन सी साइड है, सॉल्वेंट वाली साइड है। अब हमने करा क्या, सॉल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर हायर लगाया, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा है मैंने प्रेशर ग्रेटर देन पाई, बिकॉज व्हेन प्रेशर विल बी इक्वल टू पाई द ऑस्मोसिस प्रोसेस विल स्टॉप, लेकिन जब हम प्रेशर ग्रेटर देन पाई लगाएंगे तो ऑस्मोसिस जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने लगेंगे मॉलिक्यूल फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और पिस्टन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। इस तरीके का पिस्टन भी होता है एक आरओ के अंदर, जो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा सेलाइन वाटर को मूव करेगा टैंक में, जो फ्रेश वाटर को कलेक्ट करने के लिए होता है।
इस तरीके से सेलाइन वाटर दूसरे टैंक में आता रहेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो इकट्ठा होता रहेगा यहाँ पे, और जो एक वाटर आउटलेट की टैप होती है जहाँ से आप पानी को क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये जनरली किसके किसके थ्रू बनी होती है, ये एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, सेल्यूलोज एसिटेट जैसे बोलते हैं। ज़्यादातर यही मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है सेल्यूलोज एसिटेट, क्यों? क्योंकि ये पानी के लिए तो परमेबल है, यानी कि यहाँ से जितना भी पानी है उसे तो परमिट करेगी उसके मूवमेंट को, लेकिन इम्प्योरिटीज़ के लिए इम्परमेबल है, इम्प्योरिटीज़ के मूवमेंट को परमिट नहीं करेगी, वो इधर के इधर ही रह जाएंगी, ठीक है। और ये क्या होती रहेंगी, मेम्ब्रेन में इकट्ठी होती रहेंगी इम्प्योरिटीज इस तरीके से, और कुछ टाइम बाद ये मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी और आपको क्या करानी पड़ेगी, मेम्ब्रेन की रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। और क्या लिखा है हमने यहाँ पर, प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्वाइट हाई। ये जो प्रेशर हम यहाँ पे लगा रहे हैं ग्रेटर देन पाए, ये काफ़ी हाई ले जाना पड़ता है, यानी ये नहीं कि खाली ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर चलते ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर से काफ़ी ऊपर ले जाना पड़ता है प्रेशर को आपको, जब ये क्या होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, यानी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आरओ काम करता है, इसे लिख लीजिए नोटबुक में अपनी। लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर, एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर भी इसे हम लोग बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसे। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं जिनमें से तीन फार्मूले मैंने, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले फार्मूले हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। सबसे पहला फार्मूला, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आपको मोलर मास पता है और आप वेंट ऑफ फैक्टर निकालना चाहते हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी नॉर्मल मोलर मास है यानी जो मेजर्ड होता है, और एबनॉर्मल मोलर मास जो भी आपने कैलकुलेट करा होता है उनका रेशियो निकाल लीजिए, वो क्या आएगा, आई दे देगा वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी पीछे हम चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं जो देखी जाती है, अपॉन कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट करके निकाली है उनका रेशियो निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो आई बन जाएगा, वहाँ से भी आई निकाल सकते हो। तीसरा मोस्ट कॉमनली यूज़ करा जाने वाला तरीका ये है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर फिलहाल। एसोसिएशन है जब कभी भी दो मॉलिक्यूल, ये देखिए दो ए अलग अलग थे, एक ए और दूसरा ए, ये आके एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, मिल गए एक साथ, और क्या बना दिया उन्होंने, ए टू बना दिया, ये होता है एसोसिएशन। इसी को उल्टा कर दो, अगर मैं ए टू को तोड़ के क्या बना दूँ, टू ए बना दूँ, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के बाद में जो थे वो ऊपर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड के ऊपर लेते हैं, और जो बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन यानी कि रिएक्टेंट साइड के जो थे वो क्या लेते हैं, हम लोग नीचे लेते हैं हमेशा। एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल कराया है यहाँ पे, डिसोसिएशन का भी कराएंगे उसके बाद में। एसोसिएशन में हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर करा, कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करा, टू ए, ए ए दो एलिमेंट थे वो आए जुड़े और उन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया ए टू। इनिशियली क्या था, इसको मैंने बोला इसके मेरे पास एक मोल थे, इसके कितने मोल थे, मेरे पास जीरो थे। इस तरीके की चीज़ें आपने इक्विलिब्रियम में सीखी होंगी, वहाँ से आपको आती भी होंगी। इसमें से ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ से मैंने वन माइनस अल्फा वन था इसमें, इसलिए कहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो 30% हुआ होगा, तो वन में से 0.3 में माइनस कर दूंगा तो ये 0.7 बचा होगा। जितना ये खत्म होता था उतना ही ये बनता था अगर ये और ये सेम होते थे नंबर ऑफ मोल्स तो, लेकिन यहाँ पे दो नंबर ऑफ मोल है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एक है, तो यहाँ अल्फा कम होगा तो यहाँ अल्फा बाय टू बनेगा, क्योंकि दो से एक बन रहा है, जब अल्फा खत्म होगा तो अल्फा बाय टू बनेगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो वो ये इस तरीके से कर सकता है, यहाँ पे वन माइनस टू अल्फा कर सकता है, इसे वन माइनस टू अल्फा से समझ लीजिए। यहाँ से आप दो अल्फा कम हुए तो यहाँ क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो ऐसे समझ लीजिए, बाकी जिनको मैंने पढ़ाया था उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ वन माइनस अल्फा है और यहाँ पे क्या है, अल्फा बाय टू है। अब हमने आई को क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, वन थे, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, वन माइनस अल्फा इधर रह गए और अल्फा बाय टू इधर हो गए। तो मैं दोनों साइड क्या डाउन कर दूंगा, ये रहे ठीक है, वन माइनस अल्फा और अल्फा बाय टू दोनों को मैंने ऐड कर दिया, और बिफोर कितने थे, बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन एक था। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आई क्या आएगा, वन माइनस अल्फा बाय टू, अल्फा के लिए वैल्यू निकालोगे तो एलसीएम ले लो, इधर ले आओ अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से, टू ब्रैकेट में आई माइनस वन। ये है एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन कर रहे हैं, वह भी एसोसिएशन कराया था, आप डिसोसिएशन देखिए, डिसोसिएशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल है
HCl का ये डिसोशिएट हो गया इनटू आयन H+ एंड Cl-। इनिशियली इसके एक मोल थे, बाद में ये 0-0 हो गया, ठीक है। तो ये 1- अल्फा, अल्फा ये बनेगा, इसमें से अल्फा कम हो गया ना, इसके एक से ये एक एक बन रहा है, तो ये अल्फा कम होगा तो ये भी अल्फा अल्फा बनेंगे, तो ये 1- अल्फा, अल्फा और अल्फा बन गया। उसके बाद I इज इक्वल्स टू 1- अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन, इनिशियली कितना था 1, एक अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1, ये I के आ गया, यानी कि I का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा, और अल्फा क्या बन जाएगा यहाँ से I माइनस 1। ये मैंने कोई भी जनरल केस नहीं लिया है, कोई भी एक केस कंसिडर करा है, तो ये एज अ फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर मैं ये काम किसके लिए कर दूँ, H2SO4 के लिए कर दूँ। H2SO4 टूटेगा किस में, 2H पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में, तो यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ एज अ फॉर्मूला रट्टा मत मारना, इसे तरीका समझना कि हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो पाएगी। कुछ बुक में आपको फॉर्मूला दे दिया होगा NN लिख के रट्टा मारने के लिए, उससे दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं वो तरीका नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन कराने भी करने भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे इसी तरीके से, ठीक है। ये और एक चीज लास्ट में नोट करके डाल लीजिएगा स्पेशल करके, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो डिसोसिएशन देखने के लिए मिलता है, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ से देखो ऑब्वियसली दिख रहा है कि आई की वैल्यू 1 में कुछ भी प्लस करोगे तो 1 से बड़ी ही आएगी, तो 1 से बड़ी आई की वैल्यू आ रही है, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू हमेशा डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होती है, एसोसिएशन के लिए हमेशा लेस देन 1 होती है। अभी पीछे देखा था कि 1- अल्फा आ रहा था वहाँ पे फॉर्मूला, अगर आई की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, 1-0 या 1+0, ठीक है। तो 0 अल्फा की वैल्यू होगी, मतलब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा ग्लूकोज यूरिया शुगर फ्रक्टोज इन सब में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका यहाँ पे दी एंड हो गया, अब सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया, आपका काम क्या है, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, जिससे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, तभी आपको समझ में आएंगे जब आप क्या करोगे, पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लोगे। जिसको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत रहती है वो दोबारा से जाना, दोबारा पीछे वाली वीडियोस देखना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।